Hello everyone, how are you doing nowadays? I hope you are doing well. Last lecture में हमने देखा series RL and RC circuit with some DC source. अब हम सबसे पहले तो एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे series RL and बाद में RC भी देखेंगे circuit without any source. मीन्स सोर्स फ्री RL सर्किट और उसका रिस्पॉन्स कैसा होगा वो हम लोग देखेंगे पहले और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे. और हमने एक फॉर्मूला स्पेशल फार्मूला बताया था, उस फॉर्मूले को हम कैसे यूज करेंगे इन सब न्यूमेरिकल्स में वो इम्पॉर्टेंट है, वो हम लोग देखेंगे. तो हम लोग शुरू करते हैं. ये हमारे न्यूमेरिकल्स हैं एग्जांपल्स, इन एग्जांपल्स को हम लोग देखेंगे. उससे पहले हम सीरीज आरएल सर्किट को देख लेते हैं विदाउट एनी सोर्स, सोर्स फ्री सीरीज आरएल सर्किट. हम सबसे पहले इसका रिस्पांस चेक करेंगे कि रिस्पांस कैसा होता है इसका. आर एल इस तरह का एक सर्किट है. अब इस सर्किट को देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि ये सर्किट का मतलब क्या है. इस सर्किट में सिर्फ आर एंड एल है, कोई सोर्स नहीं है, तो इसका मतलब क्या है. ऑब्वियसली अगर सिर्फ इसी तरह का सर्किट है विदाउट एनी सोर्स तो इसका कोई मतलब नहीं है. मतलब कब बनकर आता है, जब हम लेट ए फुल्ली चार्ज्ड इंडक्टर इज कनेक्टेड इन द सर्किट. ठीक है, ये मतलब इसका तभी होगा जब आप एक फुल्ली चार्ज्ड इंडक्टर को यहां पे प्लेस करेंगे. ये जो आप देख रहे हैं इंडक्टर L, ये कैसा इंडक्टर है, फुल्ली चार्ज्ड इंडक्टर. इससे पहले जो हम केस पढ़ रहे थे उसमें वो कंप्लीटली डिस्चार्ज फ्रेश इंडक्टर को कनेक्ट किया था हमने. यहां पे फुल्ली चार्ज्ड कंडक्टर को इंडक्टर को प्लेस कर रहे हैं, राइट. इट मींस इसका मतलब क्या है, इसमें एनर्जी स्टोर है ना, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो हम कह सकते हैं कि इंडक्टर के थ्रू करंट एट टी इक्वल टू जीरो और स्टार्टिंग करंट इनिशियल वैल्यू ऑफ इंडक्टर is not equal to zero but some value, let us say I not. ऐसा हम लोग सपोज करते हैं कि इंडक्टर फुल्ली चार्ज्ड है तो इनिशियल करंट उसमें कितना होगा, I not. I not से ही उसका करंट फिर चेंज होगा, जो भी अगर चेंज होना है. सो अब देखिए, अब हम चेक करेंगे कि इसमें जो करंट फ्लो करेगा आई एल टी उस करंट का नेचर कैसा होगा. ठीक है, तो अब इसमें करंट अगर आपको फाइंड करना है तो क्या करेंगे, आप सिंपली एक केवीएल लूप अप्लाई कर देंगे. इस लूप में अप्लाई केवीएल इन लूप, ठीक है, अप्लाई कीजिए आई एल R प्लस एल डी आई एल बाई डी टी इक्वल टू जीरो. टेक लैपलास ट्रांसफॉर्म, लैपलास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आई एल एस आर प्लस एल. अब इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म आपको करना है डिफरेंशियल पार्ट का. इसका कितना होता है लैपलास, एस टाइम्स
ILS माइनस IL 0, ठीक है। ये इसको आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत जगह यूज होगा। तो इसका इस डिफरेंशियल पार्ट का जो लैपलास ट्रांसफॉर्म होता है वो इतना होता है, उसमें इनिशियल वैल्यू भी इंक्लूडेड होता है। ये हो गया। सो ILS कॉमन कर लें तो क्या बचेगा, इधर R प्लस एस एल इज इक्वल टू, इस वाले पार्ट को इस साइड लेते जाएंगे, एल भी उसके साथ है, एल आई एल जीरो इनिशियल वैल्यू। अब हम लिख सकते हैं ऐसा, आई एल एस आर प्लस एस एल इक्वल टू एल आई नॉट। इनिशियल वैल्यू कितना है, ये जो वैल्यू है आई एल जीरो, ये इनिशियल वैल्यू है जो आई नॉट है। सो आई एल एस इक्वल टू एल आई नॉट डिवाइडेड बाय आर प्लस एस एल। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें इस तरह से, एल कॉमन करके एस प्लस आर बाय एल, ये कैंसिल हो जाएगा। सो आफ्टर इनवर्स लैपलास, इन्वर्स लैपलास अगर हम इसमें ले लें तो हमें ये फ्रीक्वेंसी डोमेन से अब टाइम डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा। आई एल टी इक्वल टू, इसे हम क्या करेंगे, आई नॉट एस प्लस आर बाई एल, इसका क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल, ठीक है। तो ये इस तरह का करेंट फ्लो करेगा जब सोर्स फ्री सीरीज आरएल सर्किट होगा हमारे पास। उसमें इंडक्टर कैसा होना चाहिए, चार्ज इंडक्टर होना चाहिए, ठीक है, फुल्ली चार्ज इंडक्टर हमने लिया है यहाँ पे। तो इसका अगर वेवफॉर्म अगर देखेंगे आप, वेवफॉर्म अगर देखेंगे तो कैसा वेवफॉर्म मिलेगा, टी आई एल टी, टी इक्वल टू जीरो पर जीरो पुट करेंगे तो कितना वैल्यू मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट और इनिशियल वैल्यू कहें इसे। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ाएंगे आप, वैल्यू क्या होता जाएगा धीरे धीरे, ऑब्वियसली एक्सपोनेंशियली डिक्रीमेंट होगा, वो आप इक्वेशन से ही देखकर बता सकते हैं, माइनस टाइम्स इतना है तो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। तो इस तरह से आपका इसका इक्वेशन मिलेगा, आई नॉट ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल, ठीक है। इसका मतलब जो भी स्टोर्ड एनर्जी है एट टी इक्वल टू जीरो पे मैक्सिमम स्टोर्ड एनर्जी होगा, जिस समय इसमें करंट इनिशियल वैल्यू आई नॉट होगा, और जैसे जैसे टाइम पास करेगा वो क्या करेगा, एनर्जी धीरे धीरे अपना रिलीज कराएगा, और उसके सीरीज में क्या है, रजिस्टर है, ये रहा रजिस्टर। तो जो भी एनर्जी है वो इस रजिस्टर के थ्रू डिसिपेट कर देगा, है ना। एनर्जी रिलीज करने का मतलब वो करंट फ्लो करवाएगा इस सर्किट में, और करंट जब फ्लो करेगा इस रजिस्टर से तो आई स्क्वायर आर लॉस हो जाएगा और वो डिसिपेट हो जाएगा। एंड फाइनली एट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना, ये आइडियली है, प्रैक्टिकली हम बार बार इस चीज़ का यूज कर रहे हैं, फाइव टाउ, ये क्या है, प्रैक्टिकली इतने टाइम के बाद ये स्टेडी स्टेट में पहुंच जाता है, है ना। तो इस टाइम पे जो आई एल इन्फिनिटी होगा वो कितना हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी मीन्स जीरो। इनफाइनाइट टाइम के बाद ये इसमें करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं करवाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, वो इंडक्टर इनफाइनाइट टाइम के बाद बिल्कुल ही डिस्चार्ज हो चुका है, है ना। अब उसके पास कुछ एनर्जी नहीं बचा है उसमें, जो स्टोर पहले किए हुए था वो फुल्ली रिलीज कर चुका है एनवायरनमेंट में। तो उसके इसका मतलब हम लिख सकते हैं,
एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी इंडक्टर इंडक्टर हैज बीन डिस्चार्ज्ड कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीटली डिस्चार्ज कर जाएगा। तो अब हम इस चीज का यूज करेंगे, आप इसको ध्यान रखिएगा, मतलब याद ही रखिएगा कि अगर कोई सोर्स नहीं लगा हुआ है, R और L, हमारे पास एक ऐसा सर्किट है जिसमें R एंड L कई सारे इंडक्टर रजिस्टर हो सकता है और उसमें सोर्स नहीं है, तो किसी भी इंडक्टर को, अगर चार्ज इंडक्टर को लगाया गया है, तो आफ्टर T टेंडिंग टू इन्फिनिटी जो करंट होगा वो कितना मिलेगा हमें, जीरो मिलेगा। मींस एट अ स्टेडी स्टेट करंट का वैल्यू जीरो मिलेगा जब उसमें कोई भी सोर्स कनेक्टेड नहीं है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसका हम यूज करेंगे आगे, ठीक है। तो ये था सोर्स फ्री आरएल सर्किट, सीरीज आरएल सर्किट। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अपना एग्जांपल वन बाय वन। तो सबसे पहले हम एग्जांपल नंबर वन को लेते हैं और इसको देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा एग्जांपल वन। अब इस एग्जांपल को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे, एक तो जो बेसिक मेथड है, कन्वेंशनल मेथड है उससे, और इसी क्वेश्चन को जो आपने एक स्पेशल फॉर्मूला पढ़ा था उस फॉर्मूला को भी हम देखेंगे यहाँ पे। उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे, उस फॉर्मूला को यूज कैसे करेंगे वो हम लोग देखेंगे दोनों तरह से। चलिए क्वेश्चन है कि स्विच इन द सर्किट हैज बीन ओपन फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब देखिए जहां भी लॉन्ग टाइम लिखेगा तो आपको समझ जाना है कि सर्किट हमारा स्टेडी स्टेट में पहुंचा हुआ है। लॉन्ग टाइम का ही मतलब होता है स्विच को या तो क्लोज करके बोलेगा कि लॉन्ग टाइम तक क्लोज किया हुआ है, इसका मतलब क्लोज करके और काफ़ी देर तक उसे छोड़ दिए हैं तो जितना भी इंडक्टर है वो अपना शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, कैपेसिटर अगर है तो वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो लॉन्ग टाइम जहाँ भी लिखा रहेगा ऐसे, तो आपको समझ जाना है कि ये स्टेडी स्टेट को डिनोट कर रहा है। नहीं भी लिखा रहेगा, अगर क्वेश्चन में ये सेंटेंस नहीं भी लिखा हुआ है तो बाई डिफ़ॉल्ट आपको यही समझना है जो ये लिखा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में लिख दे तो बेटर है। नहीं लिखा हुआ है तब भी आपको यही समझना है कि वो सर्किट ओपन था फॉर लॉन्ग टाइम बिफोर इट क्लोजेज एट टी इक्वल टू जीरो। टी इक्वल टू जीरो पे क्लोज करने से पहले वो ओपन था बहुत देर तक। तो फाइंड करना है आपको आई एल, ये रहा यहाँ पे आई एल का, ये है आई एल करेंट थ्रू इंडक्टर फॉर टी ग्रेटर देन जीरो, और वी एक्स, ये वी एक्स है, इसका स्केच आपको बनाना है फॉर दिस टाइम। तो चलिए अब हम जैसा हम डिस्कस किए थे इससे पहले, आपको हम बताए थे कि हम जब मेथड यूज करेंगे तो उसमें जो तीन को आपको बताए थे कॉन्सेप्ट टी इक्वल टू जीरो माइनस जीरो एंड जीरो प्लस, उसका हम यूज करेंगे इसमें, ठीक है। तो तीन कंडीशन हम इसको सेटिस्फाई कराएंगे, तीन कंडीशन को हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले फॉर टी लेस देन जीरो, ठीक है, यही हम लोग देख रहे थे, टी लेस देन जीरो, टी इक्वल टू जीरो एंड टी ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो, इन तीनों कंडीशन पे हम इस सर्किट को चेक करेंगे, एनालाइज करेंगे एंड फाइनल रिजल्ट हम उससे कंक्लूड करेंगे। तो टी लेस देन जीरो का मतलब, अब बताइए क्या हो रहा है टी लेस देन जीरो पे, टी इक्वल टू जीरो पे सर्किट को क्लोज किया जा रहा है, एरो देखकर आप समझ जाइएगा क्लोज किया जा रहा है ना। तो टी लेस देन जीरो का मतलब सर्किट ओपन है, स्विच क्या है,
ओपन है, ठीक है ना, फॉर लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम तक इस सर्किट का स्विच ओपन है। चलिए ये है सर्किट हमारा और इसको ओपन कर रखा है हमने, ये ओपन है। तो ओपन होने का मतलब क्या हुआ, अब इधर से कोई करंट का कोई मतलब नहीं है, इधर करंट का कोई मतलब नहीं है, इसमें जो भी करंट है ऐसे ऐसे फ्लो करेगा। और ओपन फॉर लॉन्ग टाइम है, तो जैसे ही लॉन्ग टाइम है इसका मतलब कैसा है हमारा, स्टेडी स्टेट, इसका मतलब क्या हो गया, स्टेडी स्टेट कंडीशन, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब क्या है कि इंडक्टर एक्ट्स एज शॉर्ट सर्किट फॉर डीसी सोर्स, ये डीसी सोर्स है, इंडक्टर कैसा बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह। तो हम क्या करेंगे, इस इंडक्टर को शॉर्ट कर देंगे। अब देखिए शॉर्ट हम ऐसे ही कर रहे हैं, यहाँ पे रेड से शॉर्ट कर दे रहे हैं। तो जैसे ही शॉर्ट किया आपने, ये रजिस्टर शॉर्ट हो गया, ये शॉर्ट हो गया मतलब इसका सर्किट में अब कोई यूज नहीं है, ये ना भी रहे तब भी चलेगा। तो इसका मतलब सर्किट हमारे पास अब बचा सिर्फ ऐसे 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 और ऐसे, है ना, इस तरह से करंट फ्लो करेगा इसमें। इंडक्टर अब यहाँ पर नहीं है, वो शॉर्ट सर्किट की तरह जस्ट एक वायर कनेक्ट कर दिया हमने इस एंड से इस एंड तक ऐसे बस। तो बताइए इसमें जो करंट फ्लो करेगा आई एल, अब हम जीरो माइनस कर सकते हैं इसे, टी लेस देन जीरो की बात हो रही है, तो जो करंट फ्लो करेगा आई एल जीरो माइनस बोल सकते हैं, है ना, कि स्विच ऑन होने के पहले यही करंट फ्लो होगा यहाँ पर आई एल में, जो करंट यहाँ फाइंड करेंगे। बताइए कितना करंट फ्लो करेगा, ऑब्वियसली दो रजिस्टर सीरीज में लगा हुआ है और एक सोर्स उसके साथ ऐसे कनेक्टेड है, तो सिंपली करंट कितना हो जाएगा, 24 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 50, 24 डिवाइडेड बाई 60, 0.4 एम्पियर, है ना। इतना करंट फ्लो करेगा जब स्विच हमारा ओपन रहेगा, ये कंडीशन आ गया। दूसरा कंडीशन क्या था, फॉर टी इक्वल टू जीरो, अब बताइए टी इक्वल टू जीरो पे क्या हो रहा है, स्विच को हम ऑन कर रहे हैं, है ना। तो जैसे ही ऑन करेंगे तो ये कंडीशन आपको पता है कि इंडक्टर का ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, आई एल है जीरो माइनस पे जो करंट रहेगा वही जीरो पे रहेगा, एंड फाइनली वही स्विच ऑन होने के जस्ट बाद भी सेम ही करंट रहेगा। ये हम डिस्कस किए थे, बताए थे आपको कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इंडक्टर के लिए, उसी तरह कैपेसिटर के लिए वोल्टेज से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, हर जगह इसे यूज करेंगे। और जो तीसरा कंडीशन हमारा है वो है फॉर टी ग्रेटर देन जीरो, स्विच अभी भी ऑन है, है ना, स्विच ऑन है, तो अब हम ग्रेटर देन जीरो पे इसको हम बना लेते हैं सर्किट को, ये रहा ये सर्किट है हमारा, ठीक है, स्विच ऑन है, स्विच को ऑन कर दिया गया, ये रहा। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अब जैसे ही ऑन किया हमने स्विच को, इस टर्मिनल और इस टर्मिनल को हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया है, ध्यान से देखिए ये शॉर्ट कर दिया हमने। शॉर्ट जैसे ही किए, ये जो 24 वोल्ट है ये जो करंट फ्लो कराएगा क्या आगे बढ़ेगा यहाँ से, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, ऐसे ही करंट इस तरह से फ्लो करके और इसी में सर्कुलेट करता रहेगा ऐसे, ठीक है, इधर करंट जाएगा ही नहीं, इधर करंट नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि इसका सर्किट में
कोई यूज नहीं है भैया। इस अगर हम ये हमें करंट फाइंड करना है IL और VX, तो उसके इस IL और VX में इस वोल्टेज सोर्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसका एक और सर्किट ऐसे बना सकते हैं जिसमें ये है रजिस्टर है, इंडक्टर है और एक और रजिस्टर है ना। अब इस रजिस्टर को आप यहाँ भी बना सकते हैं, चलिए हम अभी यहीं बना कर रखते हैं। ये रजिस्टर है, ये है 30 ओम, ये है 50 ओम और ये है 25 मिली हेनरी और यही है IL, ठीक है। तो इसको अगर आप फिर से ऐसे अगर आप बनाएं तो आप ऐसा बना सकते हैं सर्किट। देखिए सर्किट को अब कैसे सोल्व करना है वो आपको आना चाहिए। ट्रांजिएंट का जो इसमें कॉन्सेप्ट है वो स्विचिंग के टाइम पे क्या हो रहा है, सर्किट में क्या उसका इफ़ेक्ट हो रहा है वो सिर्फ बताता है। जब इफ़ेक्ट आपने देख लिया तो इफ़ेक्ट होने के बाद कितना करेंट वोल्टेज डेवलप होगा वो सर्किट एनालिसिस वो आपको आना चाहिए कि अब ये हमारे पास सर्किट है तो इसको हम कैसे एनालाइज करें, ये आपको तो आना चाहिए। ये इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, वो तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये हमारा इस तरह का सर्किट हो गया, हमने इसी को रीड्रॉ किया है 50 ओम, 30 ओम और ये है 25 मिली हेनरी और ये करंट है IL, ठीक है। अब देखिए दोनों सेम ही है सर्किट, ये सर्किट और ये सर्किट दोनों सेम ही है, सिर्फ इस रजिस्टर को हमने इधर कर दिया है, इधर इस साइड पैरेलल में हो गया इसके। तो हमारे पास जो सर्किट अब बचेगा वो सिंपली इस तरह का सर्किट होगा, सॉरी यहाँ पे इंडक्टर है, ये इंडक्टर और यहाँ पे रजिस्टर है 25 मिली हेनरी और ये रजिस्टर कितना हो गया, आप इन दोनों का इक्विवेलेंट देखेंगे तो कितना हो जाएगा 50 × 30, पैरेलल में दोनों है 50 + 30, तो ये हो गया 150/80 है ना, तो 15/8, ठीक है 15/8 ओम। अब चेक कर लीजिएगा इसको, ये दोनों इतना ही आएगा, सॉरी ये 1500 है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा 1500, सो 150/8 ये हो गया वैल्यू 150/8 ओम। अब बताइए IL इसमें फ्लो करना है तो अब एक कैसा सर्किट हो गया। अब ये जो सर्किट हमारे पास है ये कैसा सर्किट है, सोर्स फ्री सीरीज RL सर्किट, ठीक है या नहीं। अभी हम जो देख रहे थे सोर्स फ्री RL सर्किट है जिसमें ये जो इंडक्टर है ये कैसा इंडक्टर है, इंडक्टर ये चार्ज्ड इंडक्टर है, ये इंडक्टर कैसा है हमारा चार्ज्ड इंडक्टर, ठीक है चार्ज्ड इंडक्टर है। इसका मतलब देखिए चार्ज कितना से है, ये है वैल्यू, ये वैल्यू 0.4 एम्पियर पहले से इसमें चार्ज्ड है ना, ये है चार्ज्ड, तो अगर आप इसमें अब करंट का वैल्यू आपको बताना हो तो क्या आप डायरेक्ट उसका फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, IT इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, I0 × e−RT/L, वेयर I0 क्या है इनिशियल वैल्यू है ना, तो यहां से हम लिख सकते हैं IL इक्वल टू इनिशियल वैल्यू कितना है 0.4 है ना, ये इनिशियल वैल्यू मीन्स
ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू, ठीक है, यही इनिशियल वैल्यू है 0.4 e टू द पावर माइनस, r का वैल्यू कितना है 150/8 इंटू, एल का वैल्यू है 25 इंटू 10^-3 मिली हेनरी में है। सो आप इसे थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे तो 0.4 e टू द पावर माइनस ये हो जाएगा 750 t। सेवन फिफ्टी टी आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा ILT, इतना एम्पियर। ये करंट हो गया थ्रू इंडक्टर, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना था, यही करंट फाइंड करना था। अब देखिए यहाँ पे फाइंड IL फॉर t ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 फाइंड कर लिया हमने। अब Vx फाइंड करना है और इस टाइम ड्यूरेशन के लिए उसका स्केच बनाना है। अब देखिए Vx क्या है, आप इस सर्किट को देखिए, कहाँ गया सर्किट, ये हमारा सर्किट है। आप इस सर्किट को फिर से हम कॉपी कर रहे हैं, ये रहा ये सर्किट है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इस Vx का कैसा वेवफॉर्म आएगा, कैसा इक्वेशन आएगा, Vx का स्केच उसका बनाना है। फॉर नाउ वी हैव टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, Vx है ना, Vx का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो Vx दोनों टाइम के लिए कैलकुलेट करना होगा, t लेस देन 0 एंड t ग्रेटर देन 0, क्योंकि आपसे जो पूछा जा रहा है वो टाइम कौन सा है। देखिए t -4 मिली सेकेंड से +4 मिली सेकेंड तक के बीच का आपसे स्केच ग्राफ पूछा जा रहा है, किस तरह का वेवफॉर्म होगा। तो इसका मतलब t लेस देन 0 पे भी आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है और t ग्रेटर देन 0 पे भी फाइंड करना है। तो बताइए t लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया, लेस देन 0 पे स्विच कैसा था हमारा, ओपन था है ना फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो जब स्विच ओपन था तो आप देख सकते हैं इंडक्टर हमारा कैसा था, शॉर्ट सर्किट था, करंट कितना फ्लो कर रहा था वो आप देख सकते हैं यहाँ से, ये शॉर्ट है हमारा इंडक्टर, यहाँ पे इंडक्टर था जो शॉर्ट सर्किट है, ये है 50 ओम, ये है 10 ओम और यही Vx है प्लस माइनस Vx, ठीक है, जिसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, और ये है प्लस माइनस 24 वोल्ट। तो सिंपल सा वो है IL है, सिंपल सा एक सर्किट है, वोल्टेज सोर्स के साथ दो रजिस्टर लगा हुआ है। तो सिंपली जो IL 0 माइनस होगा, जो हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं 10+50 0.4 एम्पियर, इतना ही करंट इस रजिस्टर में भी फ्लो करेगा, 50 ओम रजिस्टर में भी है ना। सो करंट थ्रू 50 ओम रजिस्टर इज इक्वल टू इतना ही फ्लो करेगा 0.4 एम्पियर। सो Vx 0 माइनस है ना, हम क्या कह सकते हैं, करंट इंटू रेजिस्टेंस, इतना ही वोल्टेज होगा, किसी भी रेजिस्टेंस में वोल्टेज कितना होगा, ड्रॉप, करंट जितना उसमें फ्लो हो रहा है इंटू उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू, तो ये कितना आ जाएगा 20 वोल्ट, ठीक है,
ये आ गया स्विच ऑन होने के पहले टी लेस देन जीरो के लिए। फॉर टी ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो पे क्या होगा, स्विच हमारा कैसा हो गया है, क्लोज हो गया है ना, स्विच क्लोज किया है हमने। और स्विच क्लोज होने के बाद सर्किट कैसा बना है हमारे पास, चलिए हम सर्किट इसका बना लेते हैं, इसको पेस्ट कर रहे हैं हम, है ना। स्विच क्लोज हो चुका है, ये स्विच क्लोज कर दिया हमने, ठीक है। तो अब जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, पीछे हम देखे थे कि इसका तो कोई मतलब है नहीं, इसका सर्किट में कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो इंडक्टर जो करंट फ्लो कराएगा ऐसे ऐसे, वही करंट इसमें फ्लो करेगा, है ना, और कुछ करंट इधर भी जाएगा ऐसे, ठीक है, इसमें भी करंट फ्लो करेगा, इस वाले में ऐसे, तो करंट फ्लो करेगा। अब इंडक्टर की वजह से करंट फ्लो करेगा, राइट। तो अब बताइए हमारे पास जो सर्किट बनेगा, इसका सर्किट वो ऐसा बना सकते हैं हम, ये है इंडक्टर, रजिस्टर, और यहाँ पे एक और है रजिस्टर, ऐसे 25 मिली हेनरी का यहाँ पे है ना, ये है 50 ओम, ये है 30 ओम, ठीक है। इस तरह का आपके पास सर्किट बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें फ्लो हो रहा है आई एल, ग्रेटर देन जीरो पे करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई एल टी, ये हमें पता है कितना है, 0.4 ई टू द पावर माइनस 750 टी, इतना करंट फ्लो हो रहा है ये हमें पता है। अब यही करंट ऐसे आगे बढ़ेगा और कुछ इसमें जाएगा कुछ इसमें जाएगा, ठीक है, ध्यान से देख रहे हैं आप, यही करंट दोनों में फ्लो करेगा डिवाइड होकर। आपसे पूछा जा रहा है, देखिएगा पोलारिटी, इधर प्लस और इधर माइनस, ठीक है, ये करंट का इस तरह से डायरेक्शन है, फिर से चेक कर लें इसे, हाँ जी, करंट का डायरेक्शन सॉरी वोल्टेज का डायरेक्शन जो Vx है वो ऐसा है, ठीक है। और करंट भी फ्लो कैसे कर रहा है, हम ऐसा लिख दें I 50 और इधर I 30, ऐसा लिख सकते हैं, जो IL यहाँ से चला ऐसे वो I 50 में 50 ओम में जाएगा, कुछ कुछ 30 ओम में जाएगा। सो हमें फाइंड क्या करना है, बेसिकली Vx फाइंड करना है ना। तो Vx कितना मिलेगा, I 50 into 50, यही मिलेगा Vx। अब बताइए I 50 कितना होगा, करंट डिवीजन रूल पढ़े हैं आप लोग, है ना, करंट डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, टोटल करंट इनटू, अगर इसमें करंट आपको फाइंड करना है तो इसका रेजिस्टेंस हम लेंगे न्यूमरेटर में 30 डिवाइडेड बाय दोनों का सम 50 प्लस 30, तो ये हो जाएगा आई एल इंटू 30 बाय 80, ठीक है। तो आई एल का वैल्यू कितना है, 0.4 ई टू द पावर माइनस 750 टी इंटू, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/8, ठीक है। सो Vx इक्वल टू, Vx टाइम का फंक्शन होगा ऑब्वियसली, तो Vx t कितना लिखेंगे हम, I 50 इंटू 50 ओम, ये हो जाएगा 3/8 इंटू 0.4
ई टू द पावर माइनस 750 टी इनटू 50 तो 20 इतना हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आ रहा है वो नियर अबाउट वी एक्स टी जो आएगा कितना आएगा, ये 15 हो गया डिवाइडेड बाय 2 7.5 ई टू द पावर माइनस 750 टी। यही हो गया आपका वोल्टेज अक्रॉस 50 ओम रेजिस्टर एट फॉर टी ग्रेटर देन जीरो। ये किसके लिए है, टी ग्रेटर देन जीरो के लिए। तो आप यहाँ पे वी एक्स को ऐसा लिख सकते हैं, ये कितना वैल्यू है 20 वोल्ट फॉर टी लेस देन जीरो एंड 7.5 ई टू द पावर माइनस 750 टी फॉर टी ग्रेटर देन जीरो। यही बेसिकली आपको फाइंड करना था वोल्टेज वी एक्स, ऑब्वियसली ये टाइम का फंक्शन होगा। और इसका स्केच अगर बनाना है आपको तो स्केच कैसे बनाएंगे हम, सिंपल है, जब इक्वेशन मिल गया है हमें तो स्केच बनाना आसान है। ये है वी एक्स टी और ये है टाइम का फंक्शन। आपसे पूछा जा रहा है माइनस फोर टी से, सपोज ये है माइनस फोर जो भी है टाइम सेकंड में या मिली सेकंड में, अगर मिली सेकंड में कर दें इसे, इसे हम मिली सेकंड में कर दें तो ये माइनस फोर से प्लस फोर तक है ना, प्लस फोर तक। तो अब देखिए इक्वेशन से दिख रहा है आपको यहाँ पे कि टी लेस देन जीरो पे, ये है टी इक्वल टू जीरो, लेस देन जीरो पे 20 वोल्ट फिक्स वैल्यू है, फिक्स वैल्यू सपोज ये है यहाँ से ऐसे 20, और टी ग्रेटर देन जीरो स्विच ऑन होने के बाद ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करना शुरू हुआ। ये कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग फंक्शन। तो जैसे ही डिक्रीज करना शुरू हुआ तो देखिए आप टी इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, नियर अबाउट 7.5। तो सपोज ये 7.5 यहाँ पर है ना, ये है 20, इसका मतलब 20 से 7.5 तक के सडन ऐसे चेंज होगा, और यहाँ के बाद जो वोल्टेज होगा वो ऐसे डिक्रीज करना शुरू करेगा है ना। तो ये आप बना देंगे इस तरह से। तो फाइनली ये जो रेड कलर से बनाया है हमने, ये हमारा हो गया आपका वी एक्स। तो यही पूछा जा रहा था। अब इसी क्वेश्चन को अगर हमें बनाना हो विद वो स्पेशल जो फॉर्मूला आपने देखा था उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तब हम इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो इसे हम लिखते हैं अब मेथड टू, ठीक है, मेथड टू। तो क्वेश्चन को हम फिर से एक बार सर्किट को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा सर्किट है, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, ये हमने हमारा सर्किट है। अब इसमें हमें हमारा मेन टारगेट क्या था, IL फाइंड करना। जैसे ही IL मिल जाता है सारा चीज़ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, Vx आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमें IL मिल जाए। तो सबसे पहले हम IL पे फोकस करेंगे कि IL हम कैसे फाइंड करें। तो अब फ्रॉम द फॉर्मूला IL टी इक्वल टू IL इन्फिनिटी माइनस IL इन्फिनिटी माइनस IL जीरो, चलिए इसे मैं और नीचे लिख लेता हूँ, आपको दिख नहीं रहा है, IL टी इक्वल टू IL इन्फिनिटी माइनस IL इन्फिनिटी माइनस IL जीरो प्लस e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। यही वो फॉर्मूला है जिस जो आप पढ़े हैं कि इस ये जो फॉर्मूला है
ये फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू को मिक्स करके और जो नेट करंट इन टाइम डोमेन आएगा वो वैल्यू ये बताता है ना। तो कन्वेंशनल मेथड को ना यूज करके आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं, और इसमें अगर आप ये जो आई एल इन्फिनिटी है इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लें, आई एल जीरो का वैल्यू कैलकुलेट कर लें और टाउ का वैल्यू कैलकुलेट कर लें और इसमें पुट कर दें, तो एग्जैक्टली वही इक्वेशन मिलेगा जो आपने कन्वेंशनली फाइंड किया है। ठीक है, कन्वेंशनली हमने फाइंड कर लिया है, अब हम उससे मैच करा लेंगे इसे और देखते हैं कि आसानी से हो रहा है या उतना ही टाइम लग रहा है। ऑब्वियसली थोड़ा आसान तो होगा ही। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम टाउ फाइंड कर लेते हैं, टाइम कांस्टेंट। ठीक है, देखिए इस सर्किट में एक ही इंडक्टर कैपेसिटर नहीं है, इंडक्टर तो एक है लेकिन रजिस्टर, कई सारे रजिस्टर कनेक्टेड है ना। तो इंडक्टर और रजिस्टर को इस तरह से आपको मैनिपुलेट करना है कि आप जो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म है सीरीज आर एल, जो आप इससे पहले देखे हैं सीरीज आर एल सर्किट विद डीसी सोर्स और विदाउट डीसी सोर्स, सीरीज आर एल सर्किट होता था वहाँ पे तब हमारा जो टाइम कांस्टेंट होता था वो एल बाई आर हो जाता था। तो हमें इस सर्किट को भी उसी तरह से मैनिपुलेट करके सीरीज आर एल सर्किट बनाना है, तब वहाँ से हमें टाइम कांस्टेंट मिलेगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आप ऑलवेज फॉर टी ग्रेटर देन जीरो, ये जो टाइम कांस्टेंट आप कैलकुलेट करेंगे इसके लिए कैलकुलेट करेंगे ऑलवेज फॉर टी ग्रेटर देन जीरो। तो देखिए टी ग्रेटर देन जीरो पर क्या हो रहा है, स्विच क्लोज हो रहा है ना, टी ग्रेटर देन जीरो पर स्विच क्लोज हो जा रहा है। क्लोज होने के बाद सर्किट आपको कैसा मिल रहा है, सर्किट आपको मिलेगा चलिए इसको बना ले रहे हैं, ये हमारा इस तरह का है सर्किट। ये स्विच क्लोज हो चुका है, ठीक है। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जब हम टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे तो जितना भी डीसी वोल्टेज सोर्स है उसको रिप्लेस करेंगे इंटरनल इंपेडेंस है, और आइडियली उसको हम शॉर्ट करेंगे, अगर करंट सोर्स है तो उसको हम ओपन करेंगे एंड देन फाइंड करेंगे एल बाई आर का वैल्यू, एल इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे ये जो आपका वोल्टेज सोर्स है इसको आप शॉर्ट कर दीजिए, है ना, और ये भी शॉर्ट यहाँ पे हो रखा है, स्विच को जैसे ही ऑन किया था ये शॉर्ट हो गया है। तो अभी वोल्टेज का कोई मतलब नहीं है, अगर ये शॉर्ट करें भी तो भी, ना करें तो भी, ये सर्किट में आएगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट कर दिया गया है, इसका कोई लेना देना नहीं है। और ये हो गया 50 ओम, ये है 25 मिली हेनरी और ये है 30 ओम। ठीक है, ऐसा ही सर्किट बनेगा, इसको हम थोड़ा और इक्विवेलेंट इसको इस साइड ले आए जैसा हम पिछले केस में देखे थे। ये सब एनालिसिस आप पे डिपेंड करता है, आप कितने अच्छे से सोचते हैं इसे, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस किए हुए रहेंगे तो बिल्कुल आसानी से सोच पाएंगे, अदरवाइज प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सोचने में दिक्कत आएगा आपको। तो ये हो गया इस तरह का सर्किट। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें तो ये दोनों पैरेलल में है ना, तो ये फाइनली बन जाएगा इस तरह से, ये हो गया। और इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा था हमने कितना आ रहा है, 150/8 आ रहा था, इतना ओम।
ठीक है, और ये है 25 मिली हेनरी। इसको हम L इक्विवेलेंट कह सकते हैं और इसको R इक्विवेलेंट, समझ गए। तो फॉर्मूला में जो है टाइम कांस्टेंट वो क्या था, L इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट। तो 25 मिली हेनरी का मतलब 10^-3 डिवाइडेड बाय 150/8, ये कितना हो जाएगा 200 × 10^-3 डिवाइडेड बाय 150। फोर बाई थ्री इंटू 10^-3, ठीक है। इतना हो गया, तो ये हो गया आपका सेकंड में, इतना टाइम कांस्टेंट आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना है दूसरा, आई एल इन्फिनिटी है ना, ये वैल्यू फाइंड करना है। आई एल इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, इसमें भी ध्यान रखिएगा, ओनली फॉर टी ग्रेटर देन जीरो, ये भी किसके लिए है, टी ग्रेटर देन जीरो के लिए ही है। मतलब स्विच ऑन होने के इनफाइनाइट टाइम के बाद जो करंट फ्लो करेगा थ्रू इंडक्टर वही है आई एल इन्फिनिटी। तो ये स्विच ऑन होने के बाद की ही बात हो रही है। चलिए हम यहाँ पे सर्किट को फिर से ले रहे हैं, ये रहा हमारा सर्किट है ना, और स्विच ऑन होने के बाद की बात हो रही है, स्विच ऑन है ठीक है। स्विच जब ऑन है, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जैसे ही ऑन कर दिया आपने, इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा, आप देख रहे हैं बार बार कि ये वाला पार्टिसिपेट नहीं करेगा इस आईएल में, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा ऐसे शॉर्ट कर दिया है हमने। तो ये जो भी करंट फ्लो कराएगा वो इधर ही कराता रहेगा, आगे जाएगा ही नहीं करंट। तो हमारे पास जो सर्किट बनेगा वो कैसा सर्किट बच जाएगा, इस तरह का जो हम अभी इससे पहले देखे, 50 ओम, 30 ओम और 25 मिली हेनरी, ठीक है। अब ये कैसा सर्किट है, आप अभी ध्यान दीजिएगा, ये जो सर्किट है सीरीज आरएल सर्किट है विदाउट एनी सोर्स है ना। ये इंडक्टर चार्ज्ड इंडक्टर है, ये चार्ज इंडक्टर है और इसमें कोई सोर्स लगा हुआ नहीं है, सिर्फ इंडक्टर और रजिस्टर है। तो आपको हम बताए थे कि जब भी ऐसा कंडीशन मिले कि एक चार्ज्ड इंडक्टर को लगा दिया गया है सर्किट में और उस सर्किट में सिर्फ रजिस्टर ही रजिस्टर है और इंडक्टर है सिर्फ, तो एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी जो करंट फ्लो करेगा उसमें वो कितना करंट फ्लो करेगा, जीरो करंट फ्लो करेगा। क्यों जीरो करंट फ्लो करेगा, क्योंकि इंडक्टर जो भी एनर्जी स्टोर किए हुए है वो सारा का सारा एनर्जी रिलीज होकर और डिसिपेट हो जाएगा थ्रू रजिस्टर, ठीक है। तो हमें जो करंट मिलेगा एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी एज इट बिकम्स सोर्स फ्री आरएल सर्किट है ना, ये सोर्स फ्री आरएल सर्किट बन गया। कोई जरूरी नहीं कि हर एक केस के लिए ऐसा ही हो, डिफरेंट न्यूमेरिकल्स के लिए डिफरेंट कंडीशन हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि वहां पे भी सोर्स फ्री हो जाए। सोर्स फ्री अगर नहीं होगा, सोर्स रहेगा तो हम लोग करंट फाइंड कर लेंगे कि कितना करंट फ्लो हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट सोर्स। यहाँ पे सोर्स फ्री है तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं सो आई एल इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझने का चीज़ है
कि अगर आर एल सर्किट है और उसमें सोर्स नहीं लगा हुआ है और इंडक्टर पहले से चार्ज है, तो एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब जब स्टेडी स्टेट कंडीशन में चला जाएगा, तो इंडक्टर अब करंट कितना फ्लो कराएगा सर्किट में? जीरो करंट फ्लो कराएगा, क्योंकि उसके पास कुछ एनर्जी बचेगा ही नहीं, है ना। इनफाइनाइट टाइम का मतलब यही होता है कि धीरे धीरे टी इक्वल टू जीरो से एनर्जी अपना रिलीज करना शुरू किया, इनफाइनाइट टाइम पे जाके एनर्जी उसका ख़त्म हो गया, आई जीरो हो गया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब तीसरा है आई एल जीरो, जीरो प्लस। आपको पता है इंडक्टर के थ्रू करंट जीरो प्लस, जीरो माइनस और जीरो सेम ही होता है, ये हमने प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर में देखा था और आपको हम बोले भी थे कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये वैल्यू फाइंड करें, ये वैल्यू फाइंड करें, या ये वैल्यू फाइंड करें, तीनों सेम ही वैल्यू है, मिल जाएगा हमें। तो इस कंडीशन में जो सबसे आसान है फाइंड करना, या आप किसी को भी फाइंड करेंगे तो आपको इस कंडीशन को ज़रूर चेक करना पड़ेगा, टी एट टी लेस देन जीरो, जीरो माइनस का मतलब लेस देन जीरो। तो इसमें हम ध्यान रखेंगे कि ये किसके लिए फाइंड करेंगे, फॉर टी लेस देन जीरो, इस कंडीशन को हम चेक करेंगे और वहाँ पे इस करंट को फाइंड करेंगे, वही वैल्यू आपका ये मिलेगा, ये वैल्यू मिलेगा। तो टी लेस देन जीरो पर क्या है, स्विच ओपन है, है ना, स्विच कैसा है, ओपन है फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। इसका मतलब इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो अगर हम अभी सर्किट को लें, उसी सर्किट को अगर हम फिर से यहाँ पे देखें, ये स्विच हमारा कैसा है, ओपन है, है ना, और फॉर लॉन्ग टाइम का मतलब इंडक्टर हमारा शॉर्ट किया हुआ है ऐसे। तो जैसे ही शॉर्ट हुआ, नो यूज, इसका कोई यूज रहा क्या, नहीं रहा, क्योंकि ये सर्किट में इसको शॉर्ट कर दिया हमने। अब करंट यहाँ से जो आएगा वो आगे जाएगा ही नहीं, I इक्वल टू जीरो रहेगा, जो भी करंट है सब इधर चला जाएगा, क्योंकि मिनिमम रेजिस्टेंस का पाथ ये मिल गया। तो इसमें जो करंट फ्लो होगा आई एल जीरो माइनस, वो कितना करंट फ्लो करेगा, सिंपल है, देख लीजिए, एक सीरीज, दो रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है, ये तो शॉर्ट है और एक सोर्स लगा हुआ है, तो सिंपली 24 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 50, 0.4 एम्पियर। सो फाइनली आप कह सकते हैं कि आई एल जो टी मिलेगा, और फॉर्मूला आपने ये लिखा था, माइनस 0 प्लस ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ, इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आई एल इन्फिनिटी। अब देखिए इन्फिनिटी कितना है, जीरो है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम जीरो माइनस, ये भी जीरो माइनस, इसका वैल्यू है 0.4 ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, का वैल्यू बताइए कितना है, टाउ का वैल्यू आपने कैलकुलेट कर रखा है 4/3 इंटू 10^-3, 4/3 इंटू 10^-3, तो ये वैल्यू आ गया आपका 0.4 ई टू द पावर माइनस 750 टी। यही कैलकुलेट करना था आपको। तो ये हुआ दोनों मेथड से, एक बेसिक कन्वेंशनल मेथड से, और एक है जो वो फॉर्मूला आपने लिखा है, स्पेशल फॉर्मूला, उस फॉर्मूले से, उस स्पेशल फॉर्मूला को आप यूज कैसे करते हैं वो यहाँ सीखना था आपको, ठीक है। तो इसके बाद जब हम क्वेश्चन देखेंगे उसमें हम और डिफरेंट क्वेश्चन लेंगे, उसमें भी इसी तरह से अब इस न्यू मेथड को हम उसमें अप्लाई करेंगे और देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं।